नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम नए देसी मुर्गी के पोल्ट्री फार्म पर है। आज हम जिनके फार्म पर है उनका नाम है संतोष रेड्डी। संतोष जी तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं और तेलंगाना स्टेट में इनका कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इनका पोल्ट्री फार्म है और ये पोल्ट्री फार्म हैदराबाद सिटी जो है यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनका यह फार्म हैदराबाद सिटी से है। इनका जो पोल्ट्री फार्मिंग है यह लार्ज स्केल का पोल्ट्री फार्मिंग है, जिसे हम कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं या बड़े पैमाने पे जो मुर्गी पालन बोलते हैं इस तरह का इन्होंने किया है। इनका अगर शेड भी देखेंगे आप तो इनके पास बड़े शेड है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 5000 से आसपास है और अभी जो हम वीडियो देखने वाले उसमें दो बैचेस सभी इनके पास है। एक पहला बैच जो है देसी मुर्गियों का यह तकरीबन 2 महीने का है, दूसरा बैच जो है यह तकरीबन 3 महीने का बैच है और इन्होंने बहुत अच्छा देसी पोल्ट्री फार्मिंग का जो है शुरुआत किया था। अभी संतोष जी जो है यह खुद तो जॉब करते हैं लेकिन इन्होंने इनके जो पिताजी है फादर है उनको यह सब शुरू करके दिया है। उनके फादर ही पूरा मैनेजमेंट इसका देखते हैं, यह खाली उन्हें मदद करते हैं जैसे कि चिक्स का परचेस है, फीड बनाना है और मार्केटिंग, इन चीज़ों में यह उनकी मदद करते हैं। इन्होंने जो है ये चिक्स जो है अभी आप देख रहे हैं डीपी, आप सभी को पता है महाराष्ट्र में एक डीपी नाम की ब्रीड है, प्राइवेट हैचरी से आपको मिलती है जो कि काफ़ी चिकन पर्पज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यह ब्रीड के चिक्स इन्होंने डाले हुए थे और ये दो बैचेस है। पहला बैच आपने मैंने बताया कि 2 महीने का बैच है जो कि 2000 बर्ड्स है और दूसरा एक बैच इनके पास है जो कि रेडी टू सेल है और यह अभी उन्होंने उसका मार्केटिंग भी शुरू किया जो 1000 बर्ड्स का है। दोनों बैचेस जो है यह डीपी पोल्ट्री ब्रीड के है। जब भी हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि एक अच्छे क्वालिटी के चिक्स लेने ज़रूरी है। तो इन्होंने जैसे कि मैंने बताया महाराष्ट्र से डीपी नाम का जो वैरायटी है ब्रीड है तो वो लिया है जो जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। दूसरी बात आती है फीड की, तो ये फीड भी घर पे बनाते हैं। जब शुरुआत में कुछ फीड लगता है तो कंपनी का भी यूज़ करते हैं लेकिन फीड का जो मेन इंग्रेडिएंट है मक्का मेज जिसे बोलते हैं यह यूज़ करके बाकी इंग्रेडिएंट यूज़ करके इन्होंने खुद का फीड भी यह बना लेते हैं और फीड का कॉस्टिंग इनका जो है तकरीबन 1 kg के लिए 25 kg तक इनका कॉस्टिंग जाता है पर kg फीड का। और जो चिक्स का कॉस्ट है थोड़ा हैदराबाद में होने की वजह से बहुत बार महाराष्ट्र से चिक्स दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए खर्च बढ़ जाता है तो अभी इनका कॉस्टिंग है तकरीबन 35 rupees पर चिक का कॉस्ट इनको इनके फार्म तक लाने में जा रहा है जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए कि 35 rupees चिक्स का कॉस्ट और बाकी फीड का कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट जिसमें वैक्सीन आता है, लाइट आता है, बाकी खर्च आता है, ये टोटल खर्च देखें तो हम इनका 1 kg टोटल बर्ड का वेट लाने के लिए इनको तकरीबन 120 rupees तक का खर्च आ रहा है जिसमें थोड़ा बहुत एडिशन भी हो सकता है, कम ज़्यादा खर्च हो सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र हो या बाकी स्टेट में भी देसी पोल्ट्री को अच्छा रेट है तो ये 190 rupees पर kg के हिसाब से ये सेल आउट करना चाहते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बाकी डिटेल जो है इन्हें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।